तो गाइस आज का हम व्लॉग शुरू कर रहे हैं। ये हमारा दूसरा व्लॉग है और इस व्लॉग में हम आपको सिखाएंगे मटर पनीर कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये मेरी वाइफ पहली बार बना रही है मटर पनीर। तो शादी के 4 महीने हो चुके लेकिन शायद मटर पनीर पहली बार बना के खिला रही है, तो देखते हैं कैसा बनाती है। शायद क्या बोल रही है, खाना पहली बार बना रही है। पिछले 4 महीने से जब से शादी हुई है ये पहली बार खाना बना रही है। चलो देखते हैं कैसा बनाती है मटर पनीर, बाकी टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कैसा बना है कैसा नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने ब्लॉग की। सबसे पहले डाला है इसने तेल इसमें, ये देख सकते हैं हम यूज़ कर रहे हैं सरसों का तेल, जो कि बहुत समय के बाद हम यूट्यूब से ही देख के रेसिपी बना रहे हैं। हमने देखिए इसका इनका खुद का कोई दिमाग नहीं है, ये बोल रही है कि खुद से नहीं बनाया जा रहा है, ये बना रही है सब यूट्यूब से देख के। अब देखते हैं कैसा बनाती है। तेल तो डाल दिया इसने इसमें, इतना पसारा मत डालो। क्या बोल रही है, तो सबसे हाँ वो नीट एंड सब हो जाएगा अच्छे से। देखिए सबसे पहले इन्होंने डाला है प्याज, हमारी मुंबई की भाषा में इसको बोलते हैं कांदा, और देखिए इसको कर रही है फ्राई, ये देख सकते हैं आप सभी बहुत अच्छे से फ्राई किया जा रहा है इसको। कितनी देर तक फ्राई करना है इसको मैडम, ये बनाएंगे मास्टर शेफ शीतल सुहंदा, बहुत ही खतरनाक शेफ, हम इनको चेंबूर कैंप से पकड़ के लाए हैं। जो मुंबई वासी है वो सभी जानते हैं चेंबूर कैंप कहाँ पे है। ये देखिए प्याज को मिक्स किया जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से, शायद बहुत टेस्टी बनने वाली है आज, देखते कैसी बनेगी। ये देखिए बहुत खतरनाक लग रहा है प्याज का कलर, देखते कब तक इसको फ्राई करना मैडम बताइए जरा। हल्का ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है ये। जब तक वो प्याज ब्राउन होता है तब तक मैं आपको अपने दोस्तों से मिलाता हूँ, आ जाओ। हाय कर दो गाइस, हाय, ये मेरा दोस्त है अविनाश, ये देखिए लेटा हुआ उल्टा तरीके से, आज हम ब्लॉग बना रहे हैं। क्या कुछ बोलना चाहेंगे मेरे ब्लॉग में? ब्लॉग है किस चीज का? पर ब्लॉग तो तुम छोड़ो, वो तो मैंने बोल दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया है। आप ये बताओ आप मजे ले रहे कि नहीं जिंदगी के? मजे ले रहे ना भाई। ये मेरा दोस्त है एक, और एक स्पेशल आदमी से मिलाना चाहता हूँ आप सभी को, ये है हमारे गुरुदेव। कपड़ा अच्छा नहीं, क्या क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, क्या देख रहे हो, कौन सा सीरियल है? हाय टू द व्यूअर्स बाबूमा। अरे हाय कर दो सबको, हाय फैमिली बोला, हाय फैमिली, हाय फैमिली, चिकन लेग पीस। और ये हमारी आंटी है, ये देखो हाय करो, हाय कर दो, हाय कर दो। चलो कंटिन्यू करेंगे आगे थोड़ी देर के बाद, जब तक कांदा ब्राउन होता है हमारा, प्याज ब्राउन होने तक। तो फाइनली प्याज ब्राउन हो गया है, उसके बाद क्या डाला है इसमें? टमाटर डाला है और हरी मिर्ची और लहसुन डाला है इसमें। इसको फ्राई कर रहे हैं, फ्राई करने के बाद क्या करेंगे इसको? इसको थोड़ा ठंडा करके मिक्सी में पीस देंगे। अच्छा मिक्सी में पीस देंगे, ठीक है। उसके बाद मिक्सी में पीस के मतलब बारीक मसाला बनाना है इसका, मतलब ग्रेवी टाइप। ओके, और ये मटर को कब यूज़ करना है इसको? एकदम लास्ट में। चलो बहुत अच्छा, ये तो आज पूरे लगन के साथ बना रहे हैं, देखते हैं कैसा बनता है। अच्छा पेट भरा हुआ है। क्या 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 क्या, दोबारा बोल। पेट भरा हुआ है। मैं बोल रही जीरा मसाला लेके आऊं। जीरा मसाला लेके आऊं? चलो ठीक है, ऑर्डर दिया गया है कि जीरा मसाला लेके आने के लिए, चलिए जीरा मसाला लेके आते, जब तक आप मसाला फ्राई कर लो ठीक है, बाकी जब ग्राइंड करना होगा तो मेरे को बता देना ठीक है। तो फाइनली हमारा मसाला ब्राउन हो गया और उसके बाद हमने थोड़ा ठंडा करने के लिए रख दिया था, अब इसके बाद जाएगा ये सीधे मिक्सी के अंदर, देख सकते हैं आप सभी। आप इसका फ़ायदा बताओगे, मिक्सी में ग्राइंड करने से क्या फ़ायदा होता है इसका, माननीय श्री शीतल सुहंदा जी? कुछ नहीं, इसकी ग्रेवी थोड़ी सी थिक और थोड़ी वैसी। कैसी मतलब टेस्टी? ठीक है, तो याद रखना हल्का सा गरम करने के बाद, थोड़ी देर ठंडा रखने के बाद इसको मसाले को मिक्सी में ग्राइंड करके अच्छे से, जब तक एकदम बारीक नहीं हो जाता तब तक कीजिए। वाह, चालू कर, चालू रख,
पिस गया। तो लगता है मसाला रेडी हो चुका है। पिसा नहीं है साला। पिसा नहीं है अच्छे से। हल्का सा पानी डाल दे, तो पानी डालने के बाद शायद हो जाए अच्छे से। हाँ देखिए, कुछ होशियार बच्चे ऐसे भी होते हैं, इन्होंने मसाला रेडी कर दिया है लेकिन पनीर का कुछ अता पता ही नहीं है। पनीर कट नहीं किया अभी तक। वाह। और उधर गैस भी चालू कर दिया है। गैस कम कर दे थोड़ा। गैस कम ही है। वाह, व्हाट ए क्वेश्चन। काट दो। काट दे काट दे। उसके बाद देख सकते हैं आप। ऐसा काटो ना। हाँ काट काट काट। पनीर को एकदम बीच से काट के और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देने। ये देखिए, ये शेफ नया शेफ है हमारा, पूरी जी जान लगा रहे पनीर, मटर पनीर बनाने में। और ये देखिए उसके पास बाद निकाला। वाह क्या बात बोली है। अब देखिए उसके बाद हम डालेंगे तेल के अंदर जीरा। पहले तेल गरम कर देंगे अच्छे से। इन्होंने बहुत अच्छा आइडिया लगाया जीरे को फ्राई करने का। देख सकते हैं अच्छे से जीरे को फ्राई करने के बाद डाला टिका हुआ मसाला जो हमने मिक्सर में ग्राइंड किया था। ये देखिए इसकी बनेगी ग्रेवी। अच्छे से देख लो। ये हो अच्छा नहीं बना तो क्या होगा, खा लेंगे और क्या। कौन सा कोई लोग आके यहाँ पे टेस्ट करने वाले। हमारा काम है बनाना, बना के दिखाना। टेस्ट कैसा लगा कैसा नहीं वो तो कोई भी नहीं बताता कैसा टेस्ट लगा कैसा नहीं लगा। वो वाओ, ये जो तो मुझे पता ही नहीं था ना। मैं हमारे खाने का बात कर रही हूँ। खाना तो है ना हमने। नहीं वो तो मुझे पता है, खाना तो हमें ही है, लेकिन जो भी बनाता वो ये थोड़ी बताता। बस उसके मुंह से तो यही निकलता कि वाह कितना स्वादिष्ट बना है। और हम भी बोल देंगे ऐसे कि वाह कितना स्वादिष्ट बना है। इसको कब तक ऐसे मतलब मिक्स करना है। टमाटर मस्त लाल था यार, इसकी चटनी सही बनेगी। इसको कब तक ये करना है मेरे को ये तो बता दे पहले। क्या मसाले को कब तक करना है। बस इसमें मसाले डाल के अच्छे से पकानी है मसालों को उसके अंदर। बस उसके बाद ग्रेवी रेडी। और ये पनीर को फ्राई नहीं करना है क्या। फ्राई करना है। फ्राई करना बिना फ्राई के डालना। ठीक है तो हम बनाएंगे इसको बिना फ्राई किए हुए। ठीक है मसाला जब तक रेडी होता है तब तक। उसके बाद चलो ये कंटिन्यूएशन में ही दिखा देता हूँ मैं। मिर्ची नमक डाले क्या। ये मिर्ची डाली है इन्होंने। ज़्यादा नहीं होगी ना। अब वो तो खाने के बाद पता चलेगी। निकल मत, रहने दे रहने दे रहने दे। और ये गया धनिया मसाला ये देखिए। और उसके बाद जा रहा है गरम मसाला हल्का सा एकदम स्वाद अनुसार। स्वाद अनुसार नमक होता है। और ये डाल गई है हल्दी। हल्दी के बाद क्या गई है एक और चम्मच हल्दी। दो मेजरमेंट के हिसाब से बता देंगे कि अच्छा बना है कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, वो तो देखा जाएगा। और गया है नमक। नमक जाएगा आपका भी टेस्ट के जैसा टेस्ट वैसा नमक। चलिए बहुत ही खतरनाक सब्जी बनने वाली है मुझे तो ऐसा लग रहा है। देखते हैं चलो कैसी बनती है। और उसके बाद गया है क्या चिकन मसाला। चलिए जब तक मसाला रेडी होता है तब तक हम इंतज़ार करते हैं। तो फाइनली मसाला रेडी हो चुका है। उसके बाद हम डालेंगे मटर। ऐसे घुमा के डालनी है मटर, अगर सीधा सीधा डालोगे तो टेस्ट नहीं आएगा। मटर हाथ में लेके थोड़ा ऐसे गोल गोल घुमाना ताकि चारों तरफ फैल जाए। कुछ तो टाइम पास हो गए। ये देखो टाइम पास करने के लिए बोल रही है इसलिए घुमा घुमा के डालने के लिए बोला इसने। क्योंकि अभी इतनी जल्दी भूख नहीं लगी है। हाँ भूख नहीं लगी है। और जीरा मसाला भी पी लिया इसने, मसाला सोडा बोलते है जिसको। मटर और डालूं क्या। मटर की जरूरत नहीं है मुझे तो लगा, पर डाल दे चलेगा। डाल दे मटर। हाँ? मटर डाल दे, बचा के भी क्या करना है। कल खा लेंगे ना भाई साहब। कहने का मतलब ये है कि मटर जितनी हो उतनी डाल दो, बचा के कुछ नहीं होने वाला है। अरे कल खा सकते ना। ठीक है तो कल खा लेंगे। कल किसमें डाल के खाएगी। पुलाव वगैरह में। ठीक है तो चलेगा। मटर डालने के बाद अब फाइनली हमारा जाएगा इसके अंदर पनीर। वाह 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 वाह। एक एक करके छोड़ना, अगर आप एक साथ छोड़ोगे तो छींटे लग के हाथ जल सकते हैं। तो इस चीज का अच्छे तरीके से ध्यान रखना।
वो चिपक नहीं जाए। और दूसरा मेन कारण ये भी है कि चिपक ना जाए। देखिए ऐसे एक एक करके छोड़ना है, ठीक है। वाह, ये देखिए ध्यान से देखो। खाना नहीं 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 धन्यवाद। एक तो खाना नहीं नहीं तू खा ले। देखो भुक्कड़ लोग ऐसे होते हैं, बनाने के साथ साथ खा भी लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, वैसे खुशबू तो अच्छी है, ये देखते नहीं देखते। तो अभी बन चुका है हमारा मटर पनीर, बस इसको थोड़ा सा और बॉईल करना है जिससे पनीर के अंदर अच्छे से ग्रेवी घुस जाए और बाद में उसका स्वाद लिया जा सके। ये देखिए कलर तो अच्छा लग रहा है, देखते हैं स्वाद में कैसा लगता है। अच्छा ही बना है। तो फाइनली हमारी पनीर की सब्जी तैयार हो चुकी है, अब हम आप सबको उसकी शक्ल दिखाएंगे। तो चलिए मुंह दिखाई करते हैं हमारी पनीर की सब्जी की। ये देखिए बहुत ही खतरनाक स्वाद आया है इसमें, शक्ल तो देखो बहुत अच्छी लग रही है। वाह, तो गाइस कमेंट में करके बताइए किसके किसके मुंह में पानी आ रहा है पनीर की सब्जी देख के। अरे ग्राहक आए हैं, कहाँ से आए हैं भाई साहब आप? बिहार से आए हैं। तो ये हमें टेस्ट करके बताएंगे पनीर की सब्जी कैसी बनी है। बहुत अच्छी बनी है पनीर की सब्जी, बस इतना ही कहना चाहेंगे, हम कुछ और सुनना चाहते हैं। रोटी के साथ तो और भी अच्छी लग रही है। अरे वाह क्या बात है, हमें माफ करना, चावल हमारे पास खत्म हो गए थे तो हम रोटी बना के खिला रहे। तो इसी के साथ हम अपना व्लॉग समाप्त करते हैं, मतलब कि खत्म करते हैं। मिलते हैं आप सभी को अगले व्लॉग में। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को हमारा व्लॉग कैसा लगा, टाइम पास वाला व्लॉग।